तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम बिल्कुल एक नए नए वाले प्यारे से सुंदर से स्वीट से टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता बिल्कुल भी फाइनेंस कमीशन क्या होता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में की जाएगी। ये वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी बिकॉज यहाँ पर केवल फाइनेंस कमीशन के बारे में बताऊंगा होता क्या है। और फिर अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी 15th फाइनेंस कमीशन को। अभी 15th फाइनेंस कमीशन क्या है, तो इंडिया में अब तक 14 फाइनेंस कमीशन बन चुकी है और वर्तमान में प्रेजेंट में 15th फाइनेंस कमीशन इंडिया में चल रही है। अब वो है क्या, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के इस लेक्चर में हमको एक बेसिक जानना है, हमको अपना बेस क्लियर करना है कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है, इसका काम क्या है, ये क्यों बनाया गया। इतनी बात समझ में आ रही है तो जरा समझते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन होता क्या है। तो भाई मेरी बात को सुनो बेटा, एक देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। जी हाँ, एक देश को चलाने के लिए चाहिए पैसा। तो अगर आपको लगता है एक देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो अगर मैं सारा का सारा देश का पैसा मोदी जी के हाथों में जाकर रख दूं कि मोदी जी लो देश चलाओ, तो क्या उन सभी पैसों के माध्यम से मोदी जी देश चला लेंगे? जी नहीं। मतलब मेरे कहने का यह है, केवल पैसा होना अपने आप में कंप्लीट नहीं है। उस पैसे का यूज कैसे करना है, उस पैसे को किस प्रकार बांटना है, वो पैसा स्टेट्स के बीच, राज्यों के बीच किस प्रकार बांटा जाएगा, किस पैसे का यूज कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, ये सारी बातें भी देखनी पड़ती है। केवल जेब में पैसे होने से कुछ नहीं होता, उस पैसे का सही यूज भी करना पड़ता है। और फाइनेंस कमीशन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्या होता है बताऊंगा, बस अभी समझो कि फाइनेंस कमीशन एक ऐसी संस्था है जो बताती है कि पैसे का यूज कैसे करना है, जो बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना रहेगा। इस संस्था बताएगी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाना चाहिए, महाराष्ट्र के पास कितना पैसा जाना चाहिए, यूपी, गुजरात, बिहार, इनके पास कितना पैसा जाना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी आपको बताया मैंने दो प्रकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, लेकिन गवर्नमेंट की एक थर्ड लेयर भी होती है। गवर्नमेंट की होती है तीन लेयर, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं लोकल बॉडीज। और लोकल बॉडीज में हमारे पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, ये सारी बातें आती है। और उसको भी देखा जाता है कि पंचायत को, म्युनिसिपैलिटीज को कितना पैसा दिया जाएगा और वो इस पैसे का यूज कैसे करेंगे। तो पैसा होना अपने आप में एक कंप्लीट बात नहीं है, उस पैसे का यूज कैसे करना है, उस पैसे को किस प्रकार लोगों के बीच बांटना है, सरकार के बीच बांटना है, ताकि देश को ठीक से चलाया जा सके, ये सारा काम फाइनेंस कमीशन का होता है। अब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां लिखा हुआ भी है कि फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है, तो ऐसी कोई भी संस्था जिसको बनाने का अधिकार भारत के संविधान से मिला हो, कि भारत का संविधान कहता है कि यह संस्था बननी चाहिए, उस संस्था के बारे में भारत के संविधान में लिखा हुआ है, तो उस संस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। और फाइनेंस कमीशन को बनाने का जो ऑर्डर है वो भी भारत के संविधान के आर्टिकल 280 से मिलता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 कहता है, क्या कहता है, कि देश के राष्ट्रपति को हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनानी पड़ेगी। जी हां, फाइनेंस कमीशन का निर्माण देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो हमारा संविधान कहता है, उसका आर्टिकल 280 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनानी पड़ेगी। जी हां, फाइनेंस कमीशन भी चुनाव की तरह 5 साल के लिए होती है। अगर आज मैंने कोई फाइनेंस कमीशन बनाई, मतलब अगर आज देश के राष्ट्रपति ने कोई फाइनेंस कमीशन बनाई,
तो अब उसमें जो बातें लिखी हुई है वो 5 साल तक देश में फॉलो की जाएगी और 5 साल तक अगेन उसको रिव्यू किया जाएगा, अगेन उसको रिन्यू किया जाएगा और अगेन एक नई फाइनेंस कमीशन देश के अंदर बनेगी। आजादी से लेकर अब तक इंडिया में, भारत में कुल 14 फाइनेंस कमीशन बनाई जा चुकी है और जिस समय मैं ये लेक्चर बना रहा हूं उस समय इंडिया में 15वीं फाइनेंस कमीशन चल रही है। 15वीं फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड है 2021 से 2026 और ये लेक्चर मैं 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूं। इट मींस क्या, मैं 15वीं फाइनेंस कमीशन के टाइम पर इस लेक्चर को बना रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार जो मैंने बताया उसको पढ़ लेंगे तो होपफुली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जरा समझो मेरे भाइयों और उनकी बहनों क्या लिखा है। द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इसका मतलब मैंने बता दिया कि इस संस्था को बनाने का अधिकार क्योंकि हमारे भारत के संविधान से मिलता है तो इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा गया है। दैट इज पीरियोडिकली कॉन्स्टिट्यूटेड। पीरियोडिकली कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बच्चों ये होता है कि इसको एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है। तो मैंने बोला नॉर्मली फाइनेंस कमीशन 5 साल तक के लिए बनती है लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो उसका टाइम पीरियड बढ़ा भी सकता है। जैसे कि जो हमारी 15वीं फाइनेंस कमीशन है, जो हमारी ये 15वीं फाइनेंस कमीशन है, अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो या पता हो तो ये 6 साल के लिए बनी है। 15वीं फाइनेंस कमीशन को 2 पार्ट्स के अंदर बनाया गया है। पहले इसको बनाया 1 साल के लिए 2020-21 में और फिर अगेन बनाया इसको 5 साल के लिए 2021 से 2026 के लिए। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरी 15वीं फाइनेंस कमीशन है वो 5 साल के लिए नहीं बल्कि वो 6 साल के लिए बनी है। पहली 1 साल के लिए, देन फिर 5 साल के लिए, ठीक है। आगे बोला गया है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के तहत इसको बनाया जाता है। अब फाइनेंस कमीशन कहता क्या है, तो फाइनेंस कमीशन बताता है, फाइनेंस कमीशन डिफाइन करता है द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पैसों का संबंध किस प्रकार रहेगा, किसके पास कितना पैसा रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, पैसे का यूज किस प्रकार किया जाएगा, यह सब कौन बताएगा, यह सब फाइनेंस कमीशन बताएगा। समझ में आ गया। आगे बोलता है द फाइनेंस कमीशन इंक्लूड्स द चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 मेंबर होते हैं। एक होता है चेयरमैन और उसके अलावा होते हैं 4 अदर मेंबर और इन सभी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही अपॉइंट या फिर नियुक्त किया जाता है और जो हमारे 4 अदर मेंबर होते हैं वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। हम ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे इंसान को नहीं ले लेंगे। इन 4 अदर मेंबर में फॉर एग्जांपल आता है आपका कि जिसको इकोनॉमिक्स की परफेक्ट नॉलेज हो, जिसको फाइनेंस की परफेक्ट नॉलेज हो, तो ऐसे लोग जिनको इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इन सब चीजों की परफेक्ट नॉलेज होती है उन्हीं को फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जाता है। क्योंकि 4 और ये 5, ये 5 लोग मिलकर, ये केवल 5 लोग मिलकर पूरे देश में किस प्रकार पैसों का लेन देन होगा ये इन 5 लोगों के हाथों में होता है। तो ये 5 लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, ये 5 लोग बड़े बड़े ज्ञानी, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट, बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, IAS IES जैसे लोग जो है यहां पर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर बात करें फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन तो पेपर में आ जाए फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, इसका वर्क क्या है, तो ये सारी बातें आपको लिख के आनी है। तो बात करें फाइनेंस कमीशन के फंक्शन की तो क्या लिखा है, द फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। तो फाइनेंस कमीशन जो है कुछ निम्न मुद्दों पर बात करता है, निम्न मुद्दों के बारे में बताता है, कुछ रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन किस किस मैटर के ऊपर रिकमेंडेशन देता है, फाइनेंस कमीशन क्या क्या काम करता है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहला काम है फाइनेंस कमीशन का
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब मेरा इस लाइन का जरा मतलब समझो। सबसे बोला है नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस। अब ये नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? यहां पे एक वर्ड लग गया नेट। अब ये नेट का मतलब क्या है तो सुनो, जितना भी सरकार ने टैक्स कलेक्शन किया, उसमें से सरकार माइनस कर देती है, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्ट जितना भी सरकार ने टैक्स कलेक्शन किया, तो एग्जाम्पल के तौर पे सरकार ने एक करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट किया। अब उस एक करोड़ में से जब सरकार ने टैक्स कलेक्शन किया, तो टैक्स कलेक्शन करने पर भी सरकार का खर्चा होता होगा। सरकार जिन भी एम्प्लॉयज को अपॉइंट करती होगी, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये लोग वो लोग, सरकार उनको सैलरी पे करती है, तो टैक्स कलेक्शन करने पर सरकार का खर्चा होता है। तो टैक्स में से सरकार सबसे पहले जो भी टैक्स कलेक्शन करने पे सरकार का खर्चा हुआ, जो भी सैलरी वैलरी पे करी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वो माइनस कर देगी। तो मान लो एक करोड़ का जो टैक्स था गवर्नमेंट के पास जो आया, उसमें से 10 लाख रुपए सरकार को जो है लोगों की सैलरी वैलरी पे करने में चले गए। जो टैक्स कलेक्शन करने में जो खर्चा हुआ, सैलरी पे करी इनकम टैक्स ऑफिसर की, जीएसटी ऑफिसर की, तो उनको जो खर्चा हुआ वो माइनस करना है। तो कितना बचा? 90 लाख, 90 लाख बचा। अब उसमें से माइनस करते हैं सेस और सरचार्ज, अब जो बच्चे इनकम टैक्स पड़े होंगे तो उनको पता होगा सेस और सरचार्ज भी कुछ होता है, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहूंगा इनकम टैक्स में। तो एक सेस और एक सरचार्ज नाम का भी कुछ खर्चा होता है, तो वो भी माइनस करना पड़ता है, बिकॉज सेस और सरचार्ज सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। और मान लो कि टैक्स कलेक्शन किया एक करोड़ का, उसमें से 10 लाख रुपए किसके थे, खर्चे लग गए टैक्स कलेक्शन करने में। उसके बाद मान लो 1 लाख रुपए का सेस और 1 लाख रुपए का सरचार्ज, इट मींस पूरे एक करोड़ में से 10 लाख ये, 1 लाख ये, 1 लाख ये, 12 लाख माइनस कर दो तो कितने बचे? 88 लाख रुपीस। तो जो 88 लाख रुपीस बचे बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। तो अब ये 88 लाख रुपए बांटे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। इन 88 लाख रुपयों को, ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटा जाएगा, दैट इज नेट प्रोसीड। तो टैक्स का सारा पैसा नहीं बांटते, टैक्स में से टैक्स कलेक्शन वाला खर्चा, सेस और सरचार्ज माइनस करके बांटते हैं। अब 88 लाख को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किस प्रकार बांटा जाएगा, वो कौन बताएगा? जी वो फाइनेंस कमीशन द्वारा बताया जाएगा। इसी के साथ साथ एक बात और बोलता है, द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड। यहां पे सेकंड लाइन बोलता है कि स्टेट के बीच भी, फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बात सुनना, मान लो 88 लाख रुपए की यहां बात हो रही है, ठीक है, कि 88 लाख रुपीज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटे जाएंगे। अब मान लो मैंने ये बोल दिया, इस 88 लाख में से मैंने क्या बोल दिया, इस 88 लाख में से एज्यूम कर लो 38 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। अब कितने बच गए? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए अब ये बटकिन के बीच बढ़ेंगे, 50 लाख रुपए बच्चों बटेंगे स्टेट्स के बीच। अब ये भी देखना पड़ता है फाइनेंस कमीशन को कि इस 50 लाख में से शेयर ऑफ सच प्रोसीड, मतलब कहने का यह है, इस 50 लाख रुपए में से अब हर स्टेट को कितना मिलेगा। इट मींस 50 लाख में से मान लो महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, 50 लाख में से गुजरात को कितना मिलेगा, 50 लाख रुपए में से यूपी को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल में से कितना सेंट्रल का, कितना स्टेट का, और जब स्टेट का निकल गया तो अब उसमें से भी स्टेट में किस स्टेट को कितना, ये सब देखना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ये कैसे, ये है आपका पहला काम। तो फाइनेंस कमीशन का पहला काम क्या है कि टैक्स का पैसा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किस प्रकार बांटा जाएगा। अब बात करें फाइनेंस कमीशन के दूसरे काम की,
तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू स्टेट बाय द सेंटर। अब यहां पे सेकंड काम बोलता है, सेकंड प्रिंसिपल फाइनेंस कमीशन का, सेकंड प्रिंसिपल क्या है या सेकंड काम क्या है, तो फाइनेंस कमीशन का सेकंड काम यह है कि हमने जो ऊपर स्टेट को 50 लाख रुपए दिए, ये 50 लाख जो है अलग अलग स्टेट के बीच बांटे जाएंगे। अब जो स्टेट को 50 लाख रुपए दिए, तो ऐसा भी होता है वो 50 लाख रुपए स्टेट के लिए पूरे कंप्लीट नहीं पड़ पा रहे, तो क्या करता है उस टैक्स वाले पैसे के अलावा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अलग से, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अलग से भी कुछ पैसा देती है, जिसको बोलते हैं ग्रांट इन एड। क्या बोलते हैं उसको, ग्रांट इन एड। इट मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पैसा, कुछ हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदान, कुछ अनुदान देती है, कुछ ग्रांट्स देती है, कुछ फ्री फंड का पैसा देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है भारत के पास टोटल जितना भी पैसा आता है, भारत के पास, इंडिया के पास टोटल जितना भी पैसा आता है हर जगह से, उसे क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उसमें से सरकार कुछ ग्रांट्स, कुछ अनुदान, कुछ फ्री का पैसा भी टैक्स के अलावा स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। अब वो कितना प्रोवाइड किया जाएगा ये भी काम कौन तय करेगा, ये भी फाइनेंस कमीशन द्वारा ही तय किया जाएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड फंक्शन की बात करें, द मेजर्स नीडेड टू ऑग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। सबसे पहले एक शब्द आया ऑग्यूमेंट, इस ऑग्यूमेंट का बच्चों मतलब होता है इंक्रीज। इस ऑग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, ये इस ऑग्यूमेंट का मतलब होता है इंक्रीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मेजर नीडेड टू इंक्रीज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। भाई समझो ऊपर क्या लिखा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया का पैसा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यहाँ पर राज्य की बात हो रही है। टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और अभी मैंने आपको बोला कि हमारी गवर्नमेंट की 3 लेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उससे नीचे लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मीन्स क्या, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, MCD वगैरह जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोल रहा है, देखो बेटा रखना, फाइनेंस कमीशन जो है स्टेट का ही बनता है, जिस प्रकार पूरे इंडिया का फाइनेंस कमीशन होता है उसी प्रकार हर राज्य का भी एक फाइनेंस कमीशन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइनेंस कमीशन का तीसरा काम यह है कि किस प्रकार स्टेट के पैसे को बढ़ाया जाए, किस प्रकार स्टेट की इनकम बढ़े, किस प्रकार स्टेट का पैसा बढ़े, ताकि वो पैसा म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के लिए भी यूज में आ सके। अक्सर ऐसा होता है कि सेंट्रल से पैसा गया स्टेट के पास, और स्टेट से जब ज्यादा लोकल बॉडीज के पास, म्युनिसिपैलिटीज के पास, पंचायत के पास, तो पैसा बढ़ते बढ़ते उनके पास बहुत कम जाता है, जिसकी वजह से म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते। तो थर्ड स्टेप ये भी बोला गया है कि फाइनेंस कमीशन का तीसरा काम क्या है, जो स्टेट के पास जो पैसा आता है, कुछ हमें ऐसे देखने हैं मेथड, हमें कुछ ऐसे लगाने हैं मेजर्स जिसकी वजह से स्टेट के पास पैसा बढ़े, और अगर स्टेट के पास पैसा बढ़ेगा तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के पास भी पैसा बढ़ेगा और वो डेवलप कर पाएंगे। और इसके अलावा कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग से अपने आप से सीधे पैसा उठाकर लोकल बॉडीज को दे देती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से उठाए 1 करोड़ रुपए और सीधे सीधे पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को दे दिए, बीच में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा, ऐसा भी होता है, ठीक है। और आखिरी बोलता है कि इसके अलावा एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइन। इसके अलावा कि अच्छे फाइनेंस के लिए, इट मीन्स देश में अच्छे साउंड फाइनेंस मीन्स क्या होता है कि देश में अच्छे फाइनेंस के लिए, अच्छे पैसे की लेन देन के लिए अगर और कोई रिकमेंडेशन होती है, अगर और कोई भी मैटर होता है, और कोई भी जो है
मैटर मतलब क्या रिकमेंडेशन होती है, तो उसको भी राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा कंसीडर किया जाएगा कि हम और भी स्टेप उठा सकते हैं अपने फाइनेंस कमीशन को अच्छा करने के लिए, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को अच्छा करने के लिए। तो किसी और मैटर पर भी चर्चा की जा सकती है। तो ये कुल मिला के चार काम होते हैं किसके, फाइनेंस कमीशन के। होपफुली ये चारों काम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्योंकि आपको इतना समझ में आ गया फाइनेंस कमीशन है क्या, इसके ये चार काम है क्या, तो देखना अब नेक्स्ट वीडियो से जब मैं स्टार्ट करूंगा 15th फाइनेंस कमीशन, तो वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। बेटा मिलता हूं अगली वीडियो में 15th फाइनेंस कमीशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।